कि हम रोज लास्ट में ही नंबर लिखते हैं, ठीक है? चलिए, तो आप लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, हाँ, और बार बार आप वो कहना, फिर आपका मन ना हो, आप लेफ्ट हो जाओ, इसलिए इससे अच्छा है कि हमने टीचरों ने ये तय ही किया है कि अब हम ही बोला करेंगे, ठीक है? और अब 8 बॉयज के बारे में मालविका मिस से बात करके वो जो निर्णय लेंगे वही होगा, बाकी अब आपको तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। आप आंसर दो ना दो, आपकी इच्छा, अब सीधा मालविका मिस से ही इस बारे में बात होगी, क्लियर? क्योंकि ये मुझे लगता था मेरे लेक्चर में ही ऐसा होता है, पर फिर पता चला कि ये तो सबके लेक्चर में होता है, चाहे गुजराती हो, इंग्लिश हो, हाँ, सारे टीचर्स, मैथ्स हो, सारे टीचर्स यही कहते हैं कि हाँ 8 में ऐसा ही होता है कि बॉयज कुछ बोलते ही नहीं, जैसे हम ही बोलने के लिए आए हैं यहाँ, वो तो सिर्फ ज्वाइन होने आए हैं, वो भी हम कहते हैं इसलिए, हम आपको कहते हैं इसलिए आप सिर्फ ज्वाइन होने आए हो, राइट ना? सही कहा ना बेटा? वेरी गुड, चलिए इसमें भी आंसर नहीं देंगे आप, गुड। चलिए आज आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, पूरे लेक्चर में मेरी ही आवाज होगी, आप कोई किसी की आवाज होगी नहीं, हाँ, और ये रिकॉर्डिंग मैं सर को दिखाऊंगी आज। चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री लेसन हम कर रहे थे, और उसके लेखक शंकर दयाल शर्मा जी हैं, और शर्मा जी यानी शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं वो हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्लियर? हाँ मिस, हाँ ओके, और मेरी आवाज भी क्लियर है ना? हाँ तो शंकर दयाल शर्मा जी हमारे भारत देश के 9वें राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया है कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो कर्म में विश्वास रखते थे, यानी कर्म के प्रति उनकी अटल आस्था थी और संपूर्ण समर्पण उनका कर्म के प्रति था, इसीलिए वे जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं। फिर हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में देखा था कि उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ा जाता है क्योंकि उनका सारा जीवन कर्म से भरा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और कभी अचानक सफलता मिल जाए उसमें विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते थे। वे जो भी कार्य करते वो बिना किसी फल की इच्छा के करते थे, और सारे कार्य जो हैं वो लोगों के लिए ही करते थे। उनका जीवन दर्शन जो है वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप रहा है, इसलिए उनके नाम के साथ निष्काम कर्मयोगी जोड़ना अधिक उपयुक्त है। फिर हमने उनके बारे में देखा था कि उन्हें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था होती थी, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे कर्म के भाव और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, इन 3 बातों को हम उनके चरित्र में देख सकते हैं। वे ऐसा भी कहते थे कि आप किसी भी क्षेत्र में हो पर सफल होना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने कार्य और समर्पण, भक्ति और कर्म में समानता रखें, समन्वय रखें, और उनकी सफलता का रहस्य इसी बात में छिपा हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन जो है वो श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण है, और ये सिर्फ उनके कहने में नहीं पर उनके व्यक्तित्व में भी हमें दिखाई देता है। उनके विचारों में एक कार्यों और विचारों में एक समन्वय था, वे जो कुछ कहते वही करते, और जो भी करते वो एक राष्ट्र लाभ की भावना से ही करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो राजनीतिक विरासत थी, जिसे संभालना बहुत कठिन था और लोगों की नजरों में खरा उतरना भी बहुत कठिन था, तो वो कार्य उन्होंने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा कर दिया था और देश की इस आकांक्षा को भी पूरा कर दिया था। शास्त्री जी की सबसे बड़ी बात यह थी कि वे एक सामान्य परिवार से थे और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और प्रधानमंत्री बने तब भी वे एक सामान्य ही रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनका एक विशिष्ट प्रकार रहा है उनके जीवन का, और वही आकर्षण का प्रकार रहा है, और इस दृष्टि से वे बापू के अधिक करीब माने जाते हैं। शास्त्री जी पर दो भारतीय चिंतकों का प्रभाव रहा है, कौन कौन, तो डॉक्टर भगवान दास और बापू, उनका प्रभाव उन पर अधिक रहा है, यानी वे बापू और भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास से अधिक प्रेरित हुए थे, उनकी तरह कार्य करना उन्हें पसंद था। शास्त्री जी के संबंध में बाइबिल की यह उक्ति भी बहुत सही लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए गांधी जी के ललकार पर उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी और 17 वर्ष की उम्र में वे इन आंदोलनों में लग गए थे। फिर आगे चलकर काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो पूरी की थी। 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए थे और जिसके वे जीवन भर सदस्य भी रहे थे। 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और यह उनकी पहली जेल यात्रा थी, यानी तब वे पहली बार जेल गए थे, और वो यात्रा जो शुरू हुई वो 1942 तक चली, भारत छोड़ो आंदोलन तक। 1930 से 1942 तक में वे 7 बार जेल गए, और 1932 में किसान आंदोलन के लिए गए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें इन 7 बार में सबसे लंबी बार 3 वर्ष की जेल हुई थी। फिर इस दौरान उन्होंने गांधी जी के बताए गए कार्यों को भी, क्योंकि वे उनसे प्रभावित थे ना, तो गांधी जी के बताए कार्यों को भी वे करते रहे, कि जैसे अछूतोद्धार करना आदि कार्यों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। फिर 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और 1938 तक वे इस पद पर रहे। उन्हें किसानों के प्रति विशेष लगाव था, इसलिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली जो कमेटी थी उनका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने पूरी मेहनत से रिपोर्ट प्रस्तुत की और जमींदारी प्रथा नाबूदी पर विशेष जोर दिया था। यहाँ तक हमने किया था, ओके। अब यहाँ से आगे अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो मुझे बता सकता है, वरना मैं तो पढ़ूंगी ही। मैं पढ़ू मैम, मैं पढ़ू फिर एक बात याद रखिए, आज वो आप पढ़ू। पढ़े, एक मिनट बेटा, आज आप पढ़े ना पढ़े, बोले ना बोले, बाकी ये मैम से बात तो मैं जरूर करूंगी हाँ, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि मैम ने आज हमें कहा है तो आज हम बोल देते हैं, क्योंकि आज मैंने कहा है ना, इसलिए आज आप बोलोगे, अगले लेक्चर में फिर वैसे के वैसे, इसलिए अब तो बात होगी। अब सोच लीजिए, अब कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ू ओके इसमें। पढ़ो बेटा, हम इसके फर्स्ट। बाद के हाँ, 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ बस दिया था। बस ओके। फिर कौन साथ में पढ़ना शुरू किया था, किन्होंने, जो फर्स्ट टाइम बोले थे मैं पढ़ू, ऐसा कौन था? मैं
नहीं, अन्य सांप नहीं थे, और भी कोई था। ध्रुव था, ध्रुव। ओके ध्रुव, पढ़ो चलो। सबसे पहले उन्होंने बोला था। निराकरण की व्यवहारिक नहीं, यहां प्रक्रिया से से लोकतंत्र से, अच्छी तरह लोकतंत्र से। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे भारत देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिक सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत बस हुई। बस, ओके। अब कौन पढ़ना चाहता है? हाँ मोहम्मद पढ़ो। ओके पढ़ो मोहम्मद रजा। जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु गुरु मानते हुए कहा था कि वो उन्हें के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। ओके चलिए। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी ना किसी पद पर कार्य करते रहे। नगर पालिका पता है ना आपको क्या होता है? नगर पालिका, महानगर पालिका। हामिस बाकी बॉयज। हामिस ओके, तो नगर पालिका में वे किसी ना किसी रूप से कार्य करते रहे। और सच मायने में कहें ना, तो नगर पालिका में कार्य करने का जो अनुभव है ना, वही उन्हें लोगों के करीब ले गया। क्योंकि आप जानते हैं कि नगर पालिका या महानगर पालिका हो, तो वही हमें सामान्य इंसान को, या अमीर हो या गरीब हो, कोई भी इंसान हो, उसे महानगर पालिका में काम तो पड़ता ही है, क्योंकि वही सारे काम होते हैं। जन्म मरण के दाखले हो, या रेशन कार्ड की बात हो, या और भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं जो आपको वहीं से करवाने पड़ते हैं। हाँ, तो अमीर हो या गरीब, कोई भी इंसान हो, उसे वहां तो जाना ही पड़ता है। तो इसलिए उन्हें लोगों के ज्यादा करीब आने का या लोगों को जानने का अधिक मौका मिला नगर पालिका में कार्य करने के कारण। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। देखिए, सिर्फ शहरी जीवन नगर पालिका का नहीं, पर ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। वहां ग्राम पंचायत होती है ना गांव में, ये तो आपको पता है ना। हामिश गांव हो तो ग्राम पंचायत, फिर शहर हो तो नगर पालिका, बड़ा शहर हो तो महानगर पालिका। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं एसएस में, तो अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका से जन सेवा का भी अनुभव उनका हो गया था। और लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी मोटी समस्याओं और उनके निराकरण की जो प्रक्रिया है, उनसे वे परिचित हो गए। लोकतंत्र की, यानी ये हमारे लोकतंत्र की मूलभूत इकाई है, ये जो नगर पालिका या महानगर पालिका है ना, वो तो यहाँ से देश में कौन से लोगों को छोटी मोटी समस्याएं होती है, उनका निराकरण यानी उनका उनको सुलझाना कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया जो है उनसे वे परिचित हो गए थे। और कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की क्षमता के कारण 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए भी निर्वाचित हुए। निर्वाचित होना यानी चुने गए, निर्वाचित होना यानी चुना जाना। और
और यहीं से उनसे उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। देखिए, कोई सीधा प्रधानमंत्री नहीं बनता, हाँ, पहले संसद सभ्य बनते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहीं से, इसी कार्यों से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत मानी जाती है, और उसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के बाद ही हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी, पता है ना इंदिरा गांधी कौन थी, आवेश कौन थी, कांग्रेस कांग्रेस की कांग्रेस की क्या नेता फिर इसके अलावा और भी प्रधानमंत्री थी। फिर हमारे देश की प्रथम महिला वड़ा प्रधान रह चुकी हैं। उसके बाद इसके पहले हमने किन के बारे में देखा, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में सुना ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, क्लियर। तो सोनिया श्रीमती, गांधी के सासू ने हाँ, राइट, राजीव गांधी की माँ श्रीमती इंदिरा गांधी, दादी, राहुल गांधी की दादी। तो उन्होंने अपना राजनीतिक को गुरु माना था शास्त्री जी को। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने, जिनके पिता इतने बड़े राजनीतिक थे, तो उनको, उनसे तो सीखा ही, जवाहरलाल नेहरू से, नेहरू से तो सीखा ही, पर उन्होंने शास्त्री जी को भी अपना राजनीतिक गुरु माना था। देखिए, अलग अलग गुरु भी हो सकते हैं, हाँ। इन्होंने राजनीति की शिक्षा जो है, या राजनीति में क्या कैसे कब होता है, उसके बारे में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से अच्छी तरह से सीखा था। और उन्होंने कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो लाल बहादुर शास्त्री, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए क्या कहा था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यहाँ तक क्लियर। चलो, अब कौन पढ़ना चाहता है, जिन्होंने पढ़ लिया वो मत बोलिएगा। मैं बोलूं, मैं ओके अनस, पढ़ो। पढ़ूं। एक बेटा बनस ने बोला है, हाँ अनस कंटिन्यू। देश को आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। बस ओके, फिर कौन बोला था, कौन जा रहा था, मैं पढ़ू, अनस के मैं साथ मोगल बोला शहर था, बस अनस के साथ बोला था कोई। मैं मिस ओके पढ़ो, मैं बोला था ओके पढ़ो, नाम बताओ, नाम बताओ मुगल बेटा सैयद अपना। अब्बास, ओके पढ़ो, मुगल सैयद अब्बास। हाँ, पढ़ो बेटा। सैयद अब्बास पढ़ो, आई थिंक नेटवर्क में कुछ इश्यू है। चलो, तब तक और भी कोई पढ़ो। मैं पढ़ू, पढ़ो, उनको बड़ी सिद्धि सी धारणा थी कि वे
जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रिय प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के समान सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसके किसी प्रकार का धुंधलापन या झटकाव नहीं था। अब देश की आजादी के बाद पढ़ा किसने, जरा नाम बताओ। शाहिद बावलिया 116 नंबर 8D। शाहिद। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर भी रह चुके हैं। अब केंद्र सरकार पता है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अंतर पता है ना आपको? तो केंद्र सरकार, ये जो रेल वगैरह होते हैं ना, वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, समझ में आया? और राज्य सरकार है, उसमें ये नगर पालिका वो सब है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश में और साथ ही केंद्र सरकार में भी अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री समझते हैं ना, होम मिनिस्टर। अभी हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हमारे देश के नरेंद्र होम मोदी। मिनिस्टर है। कुछ सोच के बोलो बेटा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या है, चलिए ये बताइए। 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ये नहीं पता। प्रधानमंत्री, हाँ, बड़ा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़ा मेरे को प्रधान, पता है। बराबर। नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बड़ा प्रधान है। और होम मिनिस्टर कौन है, यानी गृह मंत्री? अमित शाह। अमित की बार पक्का बोल रहे हो कि वो भी ऐसे ही? पक्का। पक्का? हाँ, चलो इस बार सही बोला। हाँ हाँ बेटा, आप लोगों को इतनी सारी इतनी थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए बेटा। अब आप लोग 8 में आ गए हैं ना, तो हमारे देश की ये तो सब जनरल नॉलेज है, ये सब आपका जीके में आता है। हर साल आपको देखना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री कौन है, फिर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। हाँ, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रेल मंत्री कौन है, ये सारी छोटी छोटी बातें तो बेटा आपको लिख कर रखनी चाहिए, साल के साथ लिख कर रखनी चाहिए कि इस साल से इस साल में कौन आए थे देश के बड़ा प्रधान के रूप में। एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, जिसमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था आजादी के बाद। हाँ, आजादी के पहले की बात नहीं, आजादी के बाद की बात, यानी 1947 के बाद की। बाद में पंडित नेहरू जी के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए, यानी केंद्र सरकार में, और वहां उन्होंने रेल और परिवहन यानी आवाजाही, रेल मंत्रालय शॉर्ट में। फिर संचार, वाणिज्य, संचार यानी संचार यानी
हाँ क्या संचार यानी क्या? हाँ, अनस कहाँ थे? बता रहा हूँ, सोच करें हम। संचार यानी क्या, मुझे ये तो आपसे ही जानना है। आज नहीं तो कल आप ही मुझे बताएंगे। आप लोग चाहे तो ये शब्द नोट डाउन कर लीजिए, संचार, क्योंकि ये बहुत आसान है और सिर्फ आपको हिंदी शब्द में है इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आपको पता ही है, मुझे पता है, इसलिए आप लोग ही संसार या ढूंढ संचार, लीजिए। इस संदेश वहन। हाँ, वेरी गुड हुसैन, वेरी गुड। संदेश वाहन कह सकते हैं ना, टेलीफोनिक या ये सब। तो उसका जो विभाग था उसमें भी उन्होंने कार्य किया। फिर वाणिज्य, उद्योग, गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनमें भी उन्होंने मंत्री पद संभाला था। देखिए, सारी चीजों के मंत्री होते हैं, जैसे खेती बाड़ी मंत्री भी होते हैं, गृह प्रधान होम मिनिस्टर होते हैं, संचार विभाग के भी मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। अभी पता है हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। तो राजनाथ सिंह अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, तो अलग अलग मंत्री अलग अलग पदों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। फिर इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का, यानी दक्षता यानी जो उनकी गुजराती में कहिए ना आउडर, जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण उन्होंने दिया वह एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। यानी अपने मंत्रालय, यानी वे तो मंत्री थे, तो उसके अंदर जो भी कार्य वे करते हैं ना, उसके प्रति उनका दृष्टिकोण यानी उनकी देखने की दृष्टि, सोच, वो अत्यंत व्यावहारिक थी। यानी जो जैसे होता है, जिस नियम से होता है वही। फिर उसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं थी, यानी कहना कुछ करना कुछ ऐसे औपचारिकता वाले नहीं कि हाँ भाई चलो कर देते हैं, या पहचान वाले हैं तो उनका काम कर देते, ऐसा नहीं। नियम से जो होता है वही करना, फिर वो कोई भी हो, कितनी भी पहचान वाला क्यों ना हो, किसी के लिए भेदभाव नहीं। वे अपने को कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, हमने पहले ही देखा, वे एक सामान्य इंसान की तरह ही रहे। तो उन्होंने कभी अपने पद के कारण खुद को ऊंचा नहीं माना। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा, शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। यानी शासक यानी जो राज करता है वो। बॉयज आवाज आ रही है ना? हाँ मिस, हाँ, हाँ मिस, बेवर कपाल। इसीलिए पूछा, मुझे लगा ऐसा। ओके, वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। शासक यानी जो राज करता है उसे शासक कहते हैं, और सेवक यानी जो जनता की सेवा करता है वह सेवक। क्लियर? इसलिए वह ऐसा मानते थे कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। यानी मंत्रालय में उनके नीचे काम करने वाले भी होंगे ना बहुत सारे लोग उनकी टीम के, तो वे तो उन्हें पसंद करते ही, बल्कि देश के लोग भी उन्हें पसंद करने लगे थे। और इसी कारण नेहरू जी के निधन के बाद लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, और 19 महीने के छोटे से समय में, वे 19 महीने ही रहे थे। 19 महीने यानी कितना समय होगा? कितना समय होगा बॉयस? 19 मिस महीने डेढ़ यानी साल और 1 महीना, डेढ़ साल? डेढ़ साल नहीं, कितना होगा?
1.5 साल और 1 महीना। पर इसे और भी तरीके से कहा जाता है, सही तरीके से, एक सात महीने साल एक साल 7 महीना। हाँ, वेरी गुड, इसे ऐसे कहते हैं, 1 वर्ष और 6-7 महीने और, है ना, 7 महीने और। तो इतने महीनों तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे, ज्यादा समय तक नहीं रहे थे, पर इतने छोटे से समय में भी उन्हें बहुत सफलताएं मिली और लोकप्रियता भी प्राप्त हुई लोगों की ओर से। और शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहता था, वो तो हम जानते ही हैं, हमने पहले ही देख लिया कि वे अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल स्पष्ट थे और किसी भी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था, कि कोई भी अवढव में रहना, ये कुछ शास्त्री जी में देखने को नहीं मिलता, या अपने कार्य से भटक जाना, ये कुछ हमें देखने को नहीं मिलता था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। देखिए, जब तक वे महत्वपूर्ण पदों पर रहे ना, तो इन पदों पर रहते हुए भी उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वे अपने अधिकारों को स्वीकार करते और जो होता, जैसे होता, वैसे ही करते थे। उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया। आत्मसंयम मतलब, आत्मसंयम मतलब, आत्मशुद्ध आत्मसंयम मतलब खुद पर कंट्रोल करना, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना, उसे आत्मसंयम हम कह सकते हैं। तो खुद पर संयम रखा, यानी खुद पर कंट्रोल करके ही काम लिया और अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह मतलब क्या है, देखिए शब्दार्थ है आपके सामने। तरजीह मतलब प्राथमिक, प्राधान्य, ना, अग्रिमता। प्राधान्य। तो उन्होंने हमेशा अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्य, यानी जो खुद को भोगना था, उससे ज्यादा लोगों के लिए क्या करना था, उन्हें महत्व दिया। एक बार वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे, 19 दिसंबर 1964 को। दीक्षांत समारोह यानी जो पदवीदान समारोह होता है ना, विश्वविद्यालय यानी कॉलेज वगैरह होते हैं ना, उनमें प्रमाण पत्र देने का जो उत्सव होता है ना, उसे पदवीदान समारोह या दीक्षांत समारोह कहा जाता है। तो 19 दिसंबर 1964 में वे अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में गए थे। तब उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए, यानी अपने विचार जब वे अपने भाषण में कह रहे थे ना, छात्रों को कुछ सीख दे रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं और यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने कि आपके भविष्य की मंजिल जो भी हो, यानी आप भविष्य में कुछ भी बने, ये कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, कलाकार बने, कुछ भी बने आप, पर आपको ये सोचना है कि सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमारे देश की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ पढ़ते हैं और फिर काम कहाँ करते हैं, बाहर जाकर। तो उसका फायदा किसे होता है, बाहर के देश को ना, हमारे देश को नहीं। तो आप सबसे पहले ये याद रखिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश के लिए कुछ ना कुछ कीजिए।
यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, यानी संविधान द्वारा तय किए गए कुछ अधिकार आपको मिलते हैं। हकों और फरजों, हक और फरज आप पढ़े हैं एसएस में, है ना, सामाजिक विज्ञान में आप पढ़ चुके हैं, तो आपको कुछ अधिकार मिले हैं हमारे संविधान द्वारा, लेकिन साथ ही कुछ कर्तव्य भी मिले हैं। हक तो मिले हैं पर फर्ज भी मिली है आपको कुछ, तो उसे आपको समझना चाहिए। सिर्फ अधिकारों का उपयोग नहीं करना, आपकी देश के प्रति जो फर्ज है वो भी आपको निभाने हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। देखिए, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है ना हमारा, तो हमें खुद की स्वतंत्रता मिलती है। अब देखिए, हमें यहाँ से किसी और शहर में जाके बसना है, हमें और कोई भी बिजनेस करना है, जॉब करनी है, तो आपको उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपने देश में ये सब कुछ अपने तरीके से कर सकते हैं, है ना, तो वो निजी स्वतंत्रता मिली है आपको। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में, यानी इस स्वतंत्रता का उपयोग आपको कैसे करना है, एक व्यवस्थित समाज बनाने के लिए। देखिए, अब हमारा जो समाज है वो समाज, हर एक का जो समाज होता है, हर एक धर्म का एक समाज होता है ना, तो उस समाज में कुछ नीति नियम बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि उन नीति नियमों से लोग जो हैं वो कुछ ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, जिससे दूसरे लोगों को कोई नुकसान भी ना हो, है ना। तो एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी प्रतिबंध होते हैं पर उन्हें स्वेच्छा से लेना चाहिए, अपनी मर्जी से। हर एक के समाज में कुछ प्रतिबंध होते हैं, पर उन प्रतिबंधों का मतलब यह नहीं कि वो बंधन है, वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। हर एक धर्म में, हर एक समाज में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वो प्रतिबंध है वो भी कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो है वो शास्त्री जी ने कही थी, जिसे याद रखने की जरूरत है। क्लियर इतना? आमिश ओके। लास्ट में इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं, थोड़े कठिन शब्द थे, मैंने वैसे बताए थे पर फिर भी। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आमिश दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना किसी फल की अपेक्षा, ले लिया समर्पण यानी, स्क्रीनशॉट। समर्पण यानी आपको नहीं सुनाई दे रहा बेटा, मैं बोल रही हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं आप। समर्पण यानी समर्पित होना या अर्पित होना, फिर समन्वय यानी संयोग, समानता, निहित यानी समाहित, भीतर रहा हुआ यानी समाहित, फिर आस्था यानी श्रद्धा, विरासत यानी वारसो, एम गुजराती में आपने ने वारसो कहिए, अने उत्तराधिकारी, हिंदी में उत्तराधिकारी कहते हैं, आह्वान यानी चुनौती, ललकार, उन्मूलन यानी नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी अग्रिमता या प्राधान्य, फिर प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी प्रमाण पत्र देने का उत्सव जो विश्वविद्यालयों में होता है। क्लियर? हाँ ओके। तो यहाँ हमने ये लेसन कंप्लीट किया, पर हमारा कोर्स जो है वो तो बेटा वही रहेगा, लेसन नंबर 2 और 3, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में उसी के बारे में विकल्प वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे उसका, ठीक है, उनके प्रश्नों का। आमिश ओके, चलो अभी आपका जो लेक्चर होगा वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। साइंस ओके, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।